दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रियंका और स्वागत आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और आज सावन महीने का चौथा सोमवार है। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल बारिश नहीं है और बाबा ने अपने भक्तों के लिए मौसम काफ़ी अच्छा कर दिया है क्योंकि वो बाबा के दरबार में पहुँच सके और बाबा के दर्शन कर सके। तो आज बहुत ज़्यादा मात्रा में बाबा के दरबार पर लोग जल चढ़ाने जाते हैं, तो हम भी अभी वहीं जा रहे हैं। तो हम पास में ही एक भोलेनाथ का मंदिर है तो हम दोनों वहीं जा रहे हैं। तो आज सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि आज मेरा आज मेरा जन्मदिन है, तो आप सब लोगों की तरफ से मेरे लिए शुभकामनाएं पहले ही। तो हमने सोचा है कि अभी सबसे पहले भोलेनाथ को जल चढ़ा देते हैं। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी हमें मार्केट भी जाना है, तो फटाफट से पहले निकलते हैं मंदिर के लिए। तो फिर दिखाते हैं वहाँ पे कैसे है बाबा का मंदिर, छोटा सा मंदिर है। तो चलिए दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ वीडियो में और आप भी हमारे साथ भोलेनाथ के दर्शन करें। और मैं और राणा जी दोनों जा रहे हैं। तो आप लोगों को बता देती हूँ कि वैसे तो लड़कियाँ अपनी एज छुपाती हैं, बताती नहीं है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी एज छुपाने में। और आज से मुझे 28 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 29वां वर्ष में मैं प्रवेश कर रही हूँ। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद बने रहे मेरे ऊपर। तो दोस्तों राणा जी बाबा के लिए नीलकंठ के फूल निकाल रहे हैं, बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं इस पेड़ पे। इसका नाम हमने नीलकंठ लगा रख रखा है, पता नहीं इसका असली नाम क्या है। और यहाँ पे एक छोटा सा गदेरा है, अब देख सकते हैं छोटा सा गदेरा है, बस 6 महीने ही, मतलब बरसात के टाइम पे ही बहता है। वाव कितने सुंदर फूल हैं। हमारे गांव के खेतों की लहराती हुई धान की फसल है, अभी कुछ टाइम बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी और बहुत ही सुंदर लग रही है। और धूप, आधा धूप और आधा छांव, बहुत ही सुंदर लग रही है चारों तरफ की व्यू। दोस्तों अभी हम रोड पे पहुंच चुके हैं और वहां सामने पे हमारी गाड़ी है, तो अभी मंदिर के लिए थोड़ा यहाँ से थोड़ा गाड़ी पे जाएंगे और फिर वहाँ से थोड़ा सा पैदल जाना है। जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से ऊपर जाएंगे हम और यहाँ ऊपर पे भोलेनाथ का मंदिर है, अभी दिख नहीं रहा है, ऊपर जाके ही दिखाएंगे। अच्छा ये बड़ा सा जगह है। दोस्तों यहाँ पे भोलेनाथ का पौराणिक धारा है और यहाँ से हम लेंगे जल।
ये चंदन है और इसे इस तरह से निकाला जाता है। फाइनली हम मंदिर में पूजा कर दी है हम लोगों ने और अभी हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए और पूजा भी हो गई है। तो चलिए दोस्तों अब बताइए आपको कैसा लगा हमारा भोलेनाथ का मंदिर। और बहुत अच्छे से हम लोग नहीं दिखा पाए क्योंकि हम दो ही लोग थे तो हमारे पास कैमरा होल्ड करने के लिए कोई नहीं था, तो जैसे तैसे तो दिखाने के लिए वही। तो चलिए दोस्तों आप बता देना कि कैसे लगी हमारी वीडियो। तो फिलहाल अभी तो बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो, अभी फिलहाल मार्केट ही चलते हैं क्योंकि रास्ता तो आपने देख ही लिया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं उखीमठ मार्केट में, तब तक आप बने रहिए वीडियो में।